नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 21 अक्टूबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखिए, निफ्टी डबल टॉप फॉर्म किया है और इधर अपसाइड में गया है, ऑलमोस्ट 100% के ऊपर, 100% के आसपास चला गया है। इधर से मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है, तो इसका ये 695 तक गया है, ये 727 तक इसका रेजिस्टेंस है। ये लेवल तोड़ेगा तो सॉरी 730 में इसका रेजिस्टेंस है, ये तोड़ेगा तो ये 850 तक, 11,850 तक जा सकता है। और नीचे इसमें आएगा तो इसको 11,500 पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये 11,425 में आ सकता है, 38.8% में आ सकता है। इधर डबल टॉप फॉर्म किया है, बट आई होप दैट इट विल ब्रेक द डबल टॉप एंड इधर से रिवर्सल आने का चांस अभी तो नहीं है, फिलहाल नहीं है कुछ। ये अप ट्रेंड, ये इट विल कीप अ विश अप ट्रेंड, क्योंकि इसमें वीकली ट्रेंड जो दिखा रहा है, इसमें एक सॉलिड बॉडी बुलिश कैंडल फॉर्म किया है, कोई एंगलफिंग पैटर्न या कुछ नहीं फॉर्म किया है। और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, अक्टूबर फ्यूचर का। इधर देखिए, इधर एक ट्रायंगुलर शेप, ये इधर हम लोग इधर पकड़ेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो इसको फॉर्म किया है, उसको ब्रेक किया है। सोच लीजिए, मैंने सॉरी ये दिया, इधर से दिया और इधर से, सोच लीजिए तो ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप शेप बना है, तो इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया है। ये जो चैनल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो एसिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं इसके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ भी बोल सकता है। और चार्ट का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये 61.8% का ऊपर गया है, इधर से ये इस लेवल मतलब 29,815 तक आ सकता है, ये ब्रेक करेगा तो फिर से ऊपर जा सकता है। और निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूंगा तो फर्स्टली इसका पीसीआर रेशियो 1.35 हुआ है, 1.50 के ऊपर जाके फिर से ये रिटेस्ट किया है। और इधर 11,700 में इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, बहुत अच्छी तरह के शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में। और इधर 11,600 में इसका सपोर्ट ये शिफ्ट करके आया, 11,500 से 11,600 में इसका सपोर्ट शिफ्ट करके आया है, तो इधर से इधर भी शॉर्ट, इधर शॉर्ट बिल्डअप है पुट साइड में, तो इधर जो ओपनिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, इधर शॉर्ट बिल्डअप से इधर सॉरी लॉन्ग बिल्डअप से, ये शॉर्ट बिल्डअप का ओपन इंटरेस्ट देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब इधर पुट राइटिंग और भी ज़्यादा होगा। और इसका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखूंगा तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में पीसीआर रेशियो 1.13 के आसपास है, और इधर 29,500 में इसका रेजिस्टेंस है, जो इधर रेजिस्टेंस था इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना है। और इधर देखिए 28,500 से इसका सपोर्ट ये शिफ्ट करके 29,000 में आया है, इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब इधर पुट राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो पुट राइटिंग अभी जारी होगा और लॉन्ग बिल्डअप चलेगा, यही लगता है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है 4 दिन का हिसाब से, और इम्पोर्टेंट वोलेटिलिटी और इधर देख के, इधर निफ्टी तो अप ट्रेंड में है, लेकिन बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी स्लाइटली देखिए 43% या 42%।